हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रेन बर्स के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे महंगी और हाई बजट मूवीज के बारे में। लिस्ट में पहला नाम है स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस का। ये मूवी साल 2015 में रिलीज हुई और उसके बाद ही ये बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस बन चुकी थी। इस मूवी का प्रोडक्शन बजट 258.6 मिलियन डॉलर्स था और इस मूवी ने 40 मिलियन डॉलर्स अलग से सिर्फ मार्केटिंग पर स्पेंड करे। इस मूवी के एक्टर्स हैरिस फोर्ड और कैरी फिशर ने 40 मिलियन डॉलर्स एज अ सैलरी ली। लिस्ट में अगला नाम है 260 मिलियन डॉलर्स के बजट वाली मूवी टैंगल्ड का। 2010 में रिलीज हुई ये मूवी टैंगल्ड एक 3D एनिमेटेड मूवी थी। इस मूवी का बजट 260 मिलियन डॉलर्स इसलिए टच हुआ क्योंकि ये पूरी मूवी स्क्रिप्ट में एक गलती की वजह से दोबारा लिखनी पड़ी, पर डिज्नी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे अपनी कॉस्ट के 3 गुना रिकवर कर लिए और ये मूवी 600 मिलियन डॉलर्स कमा के निकली। लिस्ट में अगला नाम है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस का। वार्नर ब्रॉस प्रोडक्शन ने इस मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट तो कभी रिवील नहीं करी, पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट 400 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 874 मिलियन डॉलर्स कमाए, पर क्रिटिक्स ने इस मूवी को बेहद ही खराब रेटिंग्स दी। लिस्ट में अगला नाम है जॉन कार्टर का। ये स्काईफाई एक्शन मूवी 264 मिलियन डॉलर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट रखने वाली मूवी है। इतने बड़े बजट वाली मूवी होने के बावजूद ये मूवी डिज्नी चैनल की हिस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा फ्लॉप रही। अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से सिर्फ 20 मिलियन डॉलर्स ऊपर यानी कि 284 मिलियन डॉलर्स का रिटर्न्स लेकर ये मूवी एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप रही। लिस्ट में अगला नाम है अवेंजर्स की एक बहुत ही फेमस मूवी इन्फिनिटी वॉर्स का। इन्फिनिटी वॉर्स इस लिस्ट में सबसे महंगे प्रोडक्शन कॉस्ट वाली मूवी तो नहीं है, पर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स लिस्ट में सबसे बड़े हैं। इन्फिनिटी वॉर्स मार्वल सुपर हीरो फिल्म सीरीज की एक मूवी है जो कि अप्रैल 2018 में रिलीज की गई थी। इस मूवी का बजट 316 मिलियन डॉलर्स था, पर इस मूवी से मार्वल स्टूडियोज को 2 बिलियन डॉलर्स के रिटर्न मिले। अब बारी है लिस्ट में सबसे एक्सपेंसिव मूवी की और उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स। 380 मिलियन डॉलर्स के बजट वाली ये फिल्म 2011 में रिलीज की गई थी और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जॉनी डेप ने इस मूवी के लिए 55 मिलियन डॉलर्स लिए थे। इतने बड़े बजट की मूवी होने के बावजूद ये मूवी सिर्फ 1 बिलियन डॉलर्स कमा पाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।